सबसे पहले लवी के पैर धोए जा रहे हैं यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों अभी का दिन ये है कि हम लोग सब उठ चुके हैं, ये लोग सुबह सुबह अपने फ़ोन में लग गए और सब अपने अपने काम में लगे। मुझे अपना ब्लॉग स्टार्ट करना था, मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मैं भी अपना काम कर रहा हूँ। और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज है नवरात्रि का नवा दिन, जिस दिन कन्याएं जमाई जाती है, हम उन्हें खाना खिलाते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो ये सब होने वाला है आज के ब्लॉग में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो जब तक आपने चैनल को अगर हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, बात ऐसी है, मैंने आज नहा लिया है। सबसे पहला काम मैंने नहाने का किया, क्योंकि सबसे पहले दिन मैंने व्रत लिया था नवरात्रि की स्टार्टिंग में, तो आज का भी दिन नवरात्रि के नवे दिन मेरा व्रत है, तो इसलिए मैंने नहा लिया है और अब पूजा वूजा करता हूँ मैं। और गाइस ये देखो, आज भी ये दिया जला हुआ है जो मैंने कहा था। मम्मी ऐसी देखते हैं हमेशा कैमरे में। सो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल कुछ सामान लेने हल्दी चौड़ से, क्योंकि नवरात्रि का सामान वामान लेने, मतलब केले वेले जो भी कन्याओं को हम देंगे और मैया के कपड़े, ये सब चीज़ें लेने जा रहा हूँ मैं फिलहाल। बाय द वे, अभी हवाएं बहुत अच्छी चल रही है बाहर पे, हमको मैं दिखाता हूँ कितनी अच्छी हवा चल रही है आज। तो गाइस, क्या हवा चल रही है यहाँ पे, मतलब पेड़ क्या हिल रहे भयंकर तरीके से, मतलब ना अच्छी हवा चल रही है, मतलब गर्मी में हवा चलना मतलब बहुत अच्छी बात होती है, मतलब मज़ा आ जाता है। बाबू ऐसा है, आज है नवरात्रि, आज हो आप मैया, तो आपको सुबह सुबह सबसे पहले नहा लेना चाहिए था, है ना? तो आपने नहाया क्यों नहीं अभी तक? आपको अभी, अब मैं जा रहा हूँ आपके लिए वो लेने, क्या आपके लिए चीज़ लेने जा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आपको जब तक नहा लेना है, ओके, ठीक है? कह दो मैं नहा रही हूँ, कह दे ठीक है। तो गाइस मैं भी आया हूँ अंकल आंटी के वहाँ, तो देखो फ्रूटी को, देखो फ्रूटी को जैसे ही आता हूँ खेलना होता है मेरे साथ थोड़ी देर, देखना ये देखो, ये देखो क्योंकि स्कूटी ले आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे सामान लाना है, तो मैं सीधे चलता हूँ अभी। बाय बाय मेरी प्यारी बाइक। दे दो बच्चों के लिए चाहिए। तो गाइस मैं नवरात्रि का सामान लेने भुवन अंकल के वहाँ आया हूँ, और ये देखो गोले वोले रखे, सबसे पहले नारियल छाटते हैं एक। भाई साहब 1 किलो चीनी कर दो यार। हल्दी कहाँ रखी है? हल्दी का पैकेट है कोई? हाँ, जब तक हल्दी ले लेते हैं ना हम। गाइस वहाँ मैया जी के कपड़े नहीं मिले, तो मैं यहाँ पे आया हूँ इस शॉप में, यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है। आंटी जी वहाँ पे ना नारियल में पानी की कम था बहुत, हाँ है नहीं, कोई है ही नहीं पता नहीं। ये सही है एकदम मस्त, इसमें आवाज़ आ रही है पूरे पानी की, ये ले लेते हैं। एकदम सही लग रहा है, एकदम सही आएगा ये, टू से थ्री। ये इतना सामान कितने का हो गया? 60-65। मैंने नारियल और माता जी के कपड़े सब ले लिया है, अब जाते हैं हम दूसरा चीज़ लेने। टमाटर बच रखे हैं तो मैं टमाटर लेने आ गया हूँ। है जी टमाटर क्या रेट हो रहे हैं? हैं 30। सामान रख दिया मैंने स्कूटी में, सब हो चुका है, अब घर को जाते हैं।
खोलो बेटा। आहा, आज तो क्या पहना है तूने? ये दोनों तैयार हो रखे हैं कन्या के लिए। पापा न्यूज़ सुन रहे हैं। तुम दोनों कन्याओं के लिए तैयार हुए हो? कन्या में जाओगे? अच्छा, बर्थडे में जाएगी। किसके बर्थडे में? केक भी काटोगे? इधर इधर आओ, ऐसे फूंक मारोगे? अच्छा, यहीं पे रखा है सब पूजा का सामान। और गाइस ये देखो, प्रसाद भी बन चुका है। लाइट ऑन कर लेता हूँ। गाइस ये देखो, प्रसाद भी बन चुका है। ये मैंने सामान रख दिया यहाँ पे। भूमि बर्थडे में जा रही हूँ, फूंक मारी हूँ, इसलिए गई थी क्योंकि इसकी बर्थडे में ही बनाई थी और बर्थडे में इसने यही ड्रेस पहनी थी, तो सोच रही आज भी बर्थडे में जा रही। छोटी बच्ची क्या जानती है। बेटा इधर आओ, दोनों जने वहाँ नहीं छेड़ना है बिल्कुल भी। ये हमारी भूमि तो कितनी अच्छी लग रही है, ये है ना? तो बर्थडे ये भी आ गई है। तो बर्थडे में फूंक मारेगी? हाँ। अच्छा, बर्थडे फूंक तू भी मारेगी? बुज्जू, ये तो बस भूमि की कॉपी, ये तो बस भूमि की कॉपी करती रहती है। कॉपी भूमि की कॉपी करने वाली लड़की है बस ये। पहले स्कूटी वापस करके आता हूँ और अपनी बाइक ले आता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पे। बेसन लिखवाना भूल गई, तो अब मैं बेसन लेने जा रहा हूँ फिलहाल। ये ले बेसन। देखो भाभी ने देखो कैसी लड़ाई हो गई। क्या कर रहे बेटा? अपनी बहनी को मार दे बेटा, मार दे। तू बॉक्सिंग मार दे। लवी जाओ बॉक्सिंग मारो, तुम बॉक्सिंग मार दो एक। तो मम्मी के पास शिकायत करने की इसी। ऐसा करते अपनी मैनी के साथ। अभी तो अपनी बहनी को मार रही थी, अब क्या हुआ है? घर में सब कुछ बन चुका है जो भी नवरात्रि में कन्याओं को खिलाया जाता है, वो सब बना चुके हैं। तो मम्मी एक जने को बुलाने भी गई है, फिर बाकी मैं बुला के लाऊंगा। और दो मेरे ट्यूशन वाले बच्चे जो हैं उनको बुला के लाना है। कन्या ढूंढना आज के दिन में बहुत प्रॉब्लम का काम हो जाता है क्योंकि सब जगह बिजी रहती हैं वो। अभी मैं बाइक से दो अपने ट्यूशन वाले बच्चे लाया था और फिर ये अभी बाकी घूम ही रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, अभी दो जने यहाँ से आने हैं, इनको ले आना है। मम्मी भी ढूंढ रही है पीछे, वो देखो वो खड़ी है। क्या चलो बैठो 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 सारे दोस्त, तो सारी कन्याएं आ गई हैं जितनी हमें मिली, सात मिल गई हैं। सात जने ही बहुत हैं। क्या हुआ है? ये डांस कर रही है, तो करने दे उसे डांस, बैठ जा। सबसे पहले लवी के पैर धोए जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसी सारे कन्याओं के यहाँ पे धोए जाएंगे। अरे
फिलहाल मैं अभी आया हूँ यहाँ पे मंदिर वाले कमरे में, जो कन्याएं हैं उनके लिए प्रसाद की पुड़िया बांधने। पुड़िया बच चुकी हैं, अब मैं बाहर को जाता हूँ। बब्बू थोड़े जयकारे तो लगाओ, नहीं ऐसे सही ना, जोर से बोलो ऐसे बोलो। अरे जय माता दी बोलना नहीं आता तुम्हें? जय माता दी। तो जो सारे बोलो ना, जय माता दी। एक जना बोलेगा जोर से बोलो, एक जना बोलेगा जय माता दी। अरे जय माता दी। बस जोर से बोलो, सारे बोलो जय माता दी। इतनी कितना शर्मा रहे। स्टार्ट करो, करो करो करो, स्टार्ट करो, चलो खाना स्टार्ट। चलो चलो स्टार्ट करो, खाओ खाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी खाओ। देखो ये लवी खाते रहेगी, इसके खाने तक सबको खाते रहना है। जल्दी जल्दी खाओ सारे। हम अपने इंसान हैं। अपने इंसान हैं। हम खाना चाहिए ना कि तुम लोगों देखते खाना चाहिए। अच्छा जल्दी खाओ, फिर इसे खत्म करना है। चलो खाओ खाओ, देखते खाना है। भाई को रहना था भाभी। भाभी, ओए भाभी, और कुछ चाहिए? मैंने इतना पूरा कर दिया। ये अंदर ना बोलो, जीत ना बोलो, क्या कर रहे हैं? पेट भर गया सही में? इसने भी खाया होगा ये। मुझे तो कमजोर जैसी लग रही है तू। कौन तू? कहाँ पेट पेट कहाँ भरा है अभी तेरा? और ये मोटी लग रही है ये, इसने ज्यादा खा दिया आरू ने। हाँ देखते हैं बेटा, ओके। गंगा कौन है? ले मैंने ब्लॉग ऑन कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, हेलो सर, पागल हमने 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 नवरात्रि खा ली। हमने नवरात्रि खा ली, कहते हमें खाली नवरात्रि में आना था और खाना था और भोग चढ़ाना था बस और जाना था। तो ठीक है, साथ के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि कन्याकुमारी हो चुकी है और अब रेस्ट करना है। खाना आना भी खा लिया, अब व्रत है तो शाम को कुछ खाएंगे भी नहीं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।